हेलो दोस्तों, अब मैं हमेशा ऑन ए रेगुलर बेसिस लाइव आया करूँगा आपके सामने। हड्डी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल हो, आप मेरे से लाइव पूछ सकते हैं और हम हमेशा कोई ना कोई नए प्रॉब्लम को लेके, किसी नई बीमारी को लेकर आपस में डिस्कशन करेंगे। ये लाइव प्रोग्राम हमारा हमेशा चलता रहेगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप आएँ, आके जुड़ते जाएँ और अपने सवाल मेरे सामने रखें। जरूर, वेलकम वेलकम इन द शो शिवम जोशी, वेलकम इन द शो। कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं और आपका लाइव में आपके सवाल का जवाब देता जाऊंगा। अभी हम इंतज़ार करते हैं कि कुछ लोग और जुड़े। जब और लोग जुड़ते जाएंगे फिर हम होता है इसमें जोड़ों का दर्द बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू होते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे क्यों ऐसा होता है कि जब मौसम बदलता है तो जोड़ों का दर्द ज़्यादा तंग करता है। दो चार लोग जुड़े हैं अभी, थोड़े से और लोग जुड़े हैं तो 2 मिनट के बाद फिर हम चर्चा करना शुरू करेंगे। तब तक कोई भी सवाल हो आपका आप पूछ सकते हैं और उसका मैं आपको जवाब देता जाऊंगा। आप कमेंट पे लिखते अपने सवाल लिखेंगे और उस पर जो है अविनाश वेलकम। हेलो अविनाश, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? सोहन राठौर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज जो मौसम चल रहा है, जो जिस तरीके से बादल छाए हुए हैं, आज कभी सर्द होती है कभी गर्मी लगती है, इस वक्त जो है लोगों को गर्दन में दर्द, जोड़ों में दर्द काफ़ी तेज़ हो गए हैं। ऐसा क्यों होता है? अविनाश जी के शोल्डर में पेन है, जैसे जो शोल्डर पेन है आप या तो वीडियो पे सामने आ जाइए अविनाश जी और आप बात भी कर सकते हैं, आप सवाल भी पूछ सकते हैं। जो भी आपके शोल्डर में प्रॉब्लम है, जो भी दर्द है, आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं बतलाता हूँ आपको। ऊपर आ जाइए वीडियो पे। हाँ, अब आप सवाल पूछिए। कब से आपके शोल्डर में दर्द चल रहा है? आपके शोल्डर में कब से दर्द चल रहा है? हेलो सर। हेलो,
हाँ, शोल्डर में कब से पेन हो रही है आपके? अच्छा, सर मेरे 1 मंथ से पेन है, 1 मंथ से पेन है, करीबन 1 मंथ हो चुका है मेरे पेन को शोल्डर में या बैक सर। ये बैक पे पीछे थोड़ा सा शोल्डर भी है और ये वो बैक भी आ जाता है, जो शोल्डर का जोड़ होता है ना पूरा। पेन? हाँ, बीच में जो ऊपर बैक है, तो जी सर ये शुरू कैसे हुआ? जी सर, ये अभी पीछे लॉकडाउन में जिम छोड़ दी थी मैंने, उसके बाद मोस्टली मैंने जिम अभी तक ज्वाइन नहीं की, तो उसका क्या शायद मुझे लग रहा था ऐसे क्या इसलिए पेन है। देखिए, ये जो पेन होता है ना, इसे पेरिस्टेपलर फाइब्रोमायल्जिया कहा जाता है। ये पेरिस्टेपलर जी फाइब्रोमायल्जिया के कई कारण होते हैं। कई बार अर्थराइटिस में भी ये शुरुआत होती है, लेकिन कॉमनेस्ट कॉज होता है कैल्शियम या विटामिन डी की कमी। तो एक काम अच्छा, करेंगे आप, विटामिन हाँ, यूरिक एसिड, जी कैल्शियम, सर, थायराइड और विटामिन डी, ये चार ब्लड टेस्ट मैं फिर रिपीट कर विटामिन रहा हूँ। यूरिक एसिड, कैल्शियम, यस सर। थायराइड, TSH और विटामिन डी, ये चार टेस्ट अच्छा करवा के आप जो है मेरे से दोबारा कॉन्टेक्ट कीजिएगा। फिर अकॉर्डिंगली जो जी सर, भी प्रॉब्लम निकलेगी उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। ये जी सर, मैंने आपका ठीक हो जाएगा, इंस्टाग्राम ये पेज पे तो। देखा, हाँ, इंस्टा हाँ तो मैंने उस टाइम देखा आपका, तब मैंने आपको कांटेक्ट किया, आज आप लाइव थे तो मैंने सोचा बात कर ही लेता हूँ सर से। अभी भाई कुछ दिनों के लिए सोच रहा हूँ मैं लाइव आने का, अलग अलग टॉपिक पे सोच रहा हूँ कि डिस्कस करूंगा थोड़ा सा, कम से कम कुछ कुछ लोगों को तो फायदा हो ना, जी सर, थैंक उसको भी इनवाइट कर सकते यू हैं। सो मच सर। अच्छा जी जी तो सर, अच्छा जब लगा ये आप। चीजें डिस्कशन होती है, जितने लोग जुड़ते हैं, जितने लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उतने ज्यादा आनंद आता है। तो जी आप सर अपने बिल्कुल फ्रेंड्स को सर, भी इनवाइट कर सकते हैं। अभी तो तो ये कोई ऐसे चार ब्लड प्लान्स टेस्ट है करवा नहीं मेरे के आप लाइफ में। मेरे से फिर दोबारा कॉन्टेक्ट कीजिएगा। अच्छा सर, ये टेस्ट होंगे कहाँ पे आप बता सकते हो, थोड़ा सा गाइड कर सकते हो मुझे। हाँ, यूरिक एसिड, कैल्शियम, थायराइड का टेस्ट होता है, TSH और विटामिन डी, विटामिन ये चार टेस्ट करवा लीजिए। कहाँ पर होंगे बता, थोड़ा सा गाइड कर ठीक सकते है, हो सर। ये किसी भी अच्छे लैब से करवा लीजिए, घर के पास में जो भी अच्छा सा लैब हो वहां से करवा लीजिएगा। ओके सर, आज जैसे ही कराता हूँ तो मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ सर। आपका मेरे ख्याल से नेट स्लो चल रहा है काफी, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपकी वो साइड से। आपको डिटेल हम भेज देंगे, जी सर जो ये डिटेल है वो डिटेल आपको इंस्टा पे आप फॉलो भेज दीजिएगा। कहाँ कहाँ बैठता हूँ वो सारा हम आपसे शेयर कर लेंगे, या आप इंस्टा पे ही रिपोर्ट भेज दीजिए। ठीक जी सर, मैं जैसे ही कराता हूँ आपको है, वो रिपोर्ट है भेज सारी दूंगा सर। डिटेल्स भी हमारी। जी 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 सर, हाँ, आप रिपोर्ट दे थैंक यू दीजिए, सर। फिर आप उसके आगे फिर करते हैं। ठीक है, ओके अमित ओके सर, थैंक यू सर, ओके। जी। हेलो अनुभूति, हाउ आर यू? वेलकम हर्ष, खैबर, वेलकम खैबर, आए हो, अच्छा लगा लाइन पे। जितना खैबर आप शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करोगे, उतना ही फायदा होगा। आज पहले तो सोचा था मैं कि जो सीजन चेंज करता है उसकी वजह से क्यों पेन होता है उस पर डिस्कस करूं, लेकिन अभी जो दूसरा टॉपिक जो मुझे सजेस्ट किया गया है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसपे हम बात करते हैं, वो है वेट लॉस। जब वेट लॉस, स्पेशली ये कोविड टाइम में लोग जो घर पे बैठे हैं, कई लोग जो है वेट लॉस ने काफी वेट लॉस किया है, और करते क्या है कि जब भी ये सोचते हैं वेट लूज करने का, तो ये खाना खाना छोड़ देते हैं, खाना खाना भी छोड़ देते हैं, और ऑल ऑफ ए सडन जिम में जाके एक्सरसाइज ज्यादा करनी शुरू करते हैं। इससे दो प्रॉब्लम आती है, एक तो जो न्यूट्रिशन चाहिए होती है, जो एसेंशियल एसेंशियल आइटम्स चाहिए होते हैं, विटामिन चाहिए होते हैं, मिनरल चाहिए होते हैं, वो सारा लॉस होना शुरू हो जाता है, वो कम होना शुरू हो जाता है, नंबर एक। और दूसरा, जब आप एक्सरसाइज ऑल ऑफ ए सडन जिम में जाके, जो कहा जाता है कि गोइंग टू जिम विद ए वेंजेंस,
अब जाते हैं तो वो ज्वाइंट्स पे प्रेशर बहुत ज्यादा आना शुरू होता है, उसकी वजह से कई प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, जैसे बैक पेन शुरू हो जाता है, शोल्डर पेन शुरू हो जाता है। तो इसके दोनों रीजन होते हैं। एक तो रीजन होता है कि आपने एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर ली है जिसकी वजह से मसल स्ट्रेन हो गया, नंबर एक, या फिर एक्सरसाइज आपने गलत कर ली है विदाउट ट्रेनर जिसकी वजह से मसल इंजरी हो गई है। तीसरा, जब एसेंशियल आइटम्स मिनरल्स और विटामिन्स वगैरह कम हो जाते हैं तो ये ज्वाइंट और बोन्स वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से उनपे इंजरी होने का रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में वेट लॉस के लिए क्या करना चाहिए? अगर आपने वेट लॉस करना होता है, जब वेट लॉस करना होता है तो खाना छोड़ना नहीं होता है, खाने की क्वालिटी चेंज करनी होती है। हमें जो इम्पोर्टेंट होता है कि ये सारा हिसाब कैलरी का होता है कि हमें कैलरी कम करनी है। अगर आप 3,000 to 4,000 कैलरी ले रहे हैं तो उसको कट डाउन करके 1,200 to 1,400 कैलरी पे आइए फूड पे, उससे कम नहीं कीजिए। लेकिन वो जो कम कैलरी कर रहे हैं वो फूड जो है न्यूट्रिशियस होना चाहिए, वो रिच होना चाहिए जिसमें विटामिन हो, कैल्शियम हो, विटामिन डी हो, विटामिन B12 हो, सारे एसेंशियल आइटम हो, सोडियम हो, पोटेशियम, किसी चीज की कमी ना आए। तो हमेशा हम लोग सजेस्ट करते हैं कि खाना छोड़िए मत, खाने की क्वालिटी चेंज कीजिए। सीरियल, सीरियल्स में सिर्फ रोटी और चावल कम कर दीजिए, तेल और घी कट डाउन कर दीजिए, शुगर को कट डाउन कर दीजिए, चीनी लेना कम बंद कर दीजिए। और जो खाने को रिप्लेस करेंगे वो खाने को रिप्लेस करेंगे आप फ्रूट्स एंड सैलेड्स, फ्रूट सैलेड्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स को सोटे करके लें, मिल्क लें, मिल्क प्रोडक्ट लेना शुरू करें। तो इससे क्या होता है कि खाने जो आप कम खा रहे हैं, मैंने खाना तो अब भाई आपका पेट भर जाएगा, चूंकि क्वांटिटी आप उतनी ही ले रहे हैं, क्वालिटी आपने जहाँ चेंज कर दी, ये लो कैलरी में आते हैं। सैलेड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारे लो कैलरी में आते हैं। एट द सेम टाइम चूंकि आप कम ऑयल यूज कर रहे हैं, शुगर आपने छोड़ दिया है, इन सब सारे फूड में रिफिल ज्यादा होता है। तो रिफिल ज्यादा होने से क्या होता है कि ये हल्दी आप प्लस सारे विटामिन्स मिनरल्स एसेंशियल आइटम थे तो ये बहुत रिच हो जाते हैं, रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो लो कैलरी हाई फाइबर एंड न्यूट्रिशियस फूड हो जाते हैं। भूख लगे तो हम बोलते हैं कि भैया पूरा सैलेड का बाउल लेके बैठिए, सैलेड का पूरा एक बाउल खाइए, जितना आप खा सकते हैं, जितना भी आपने फ्रूट्स खाना है फ्रूट्स खाइए। और एक्सरसाइज, सबसे पहले लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज आप शुरू करें। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस के वो वॉक से शुरू करें आप, जो ग्रेजुअली वॉक बढ़ानी शुरू करें। आप जिम भी जाते हैं तो जिम में भी आप इनिशियली लाइट एक्सरसाइज शुरू करें, सीधा वेट ट्रेनिंग नहीं करना शुरू करें। जब लाइट एक्सरसाइजेस करते करते बॉडी की आपकी कंडीशनिंग होनी शुरू हो गई, जब आपने हफ्ता 10 दिन 15 दिन बॉडी की कंडीशनिंग होगी, तो ग्रेजुअली एवरी वीक अपनी एक्सरसाइजेस ज्यादा स्ट्रेनुअस कीजिए और बढ़ाते चलिए। इमिडिएटली जाके कभी भी ज्यादा नहीं किया जाता। और एट द सेम टाइम जैसे आप वॉक कर रहे हैं तो ग्रेजुअली आप स्लो जॉगिंग पे आइए, फिर रनिंग पे आइए। तो हर कुछ जो चेंजेस होते हैं दैट शुड बी ग्रेजुअल, कभी भी सडन नहीं होना चाहिए। फूड चेंजेस होने चाहिए, जो क्वालिटी ऑफ फूड चेंज कीजिए, जो एक्सरसाइजेस होती है लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज होनी चाहिए, और इनिशियली ग्रेजुअली उसमें जो है आप लो इम्पैक्ट से हाई इम्पैक्ट पे आ सकते हैं। दूसरी चीज जो बोलते हैं कि इनिशियली जो है आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करना शुरू करें। आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है, दोनों में क्या फर्क होता है? जैसे अगर आपने, मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपने हाथ की ताकत बढ़ानी है तो दो तरीके होते हैं। एक तो आपने डंबल लिया, मान लीजिए कि ये डंबल है, ये डंबल, और डंबल लेके आपने यू पंप करना शुरू किया, तो जब आप ये पंप करते हैं तो ये मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसे आइसोटोनिक एक्सरसाइज करते हैं। ये बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं लेकिन ये हार्मफुल भी होते हैं, क्योंकि इंजरी के रिस्क हमेशा आइसोटोनिक एक्सरसाइज में। दूसरा जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होता है वो होता है कि जैसे आपने इसको लिया और इसको पकड़ के और होल्ड करके आपने रखा, हाथ आपका दुख जाएगा, थक जाएगा, और ग्रेजुअली आपको यही जो छोटा सा सामान है ये वो भी लगना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से आप शुरू करें, ग्रेजुअली उसको कन्वर्ट करते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज में ओवर 2 से 3 दिन। जब ये आप करेंगे तो मसल इंजरी होने के रिस्क
स्ट्रांग होती है, नंबर एक। नंबर दो, जब भी हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज करते हैं उसके पहले बॉडी वार्म अप कीजिए, वॉकिंग शुरू कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, क्रॉस ट्रेनिंग कीजिए। जब बॉडी वार्म अप हो गया आपका, फिर आप शुरू कीजिए डेली एक्सरसाइज, इससे इंजरी होने के रिस्क कम होते हैं। और उसके हिसाब से अगर आपने अपना फूड कंट्रोल किया हुआ है, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो वेट आपको ग्रेजुअली लूज होना शुरू हो जाएगा। वेट का जो बढ़ता जब है, वेट तो एक पड़ाव पे आके रुकता जाता है। जैसे अगर आपका वेट 40 kg से 70 kg हुआ है, तो 40 से 70 अचानक नहीं होता। आपने मार्क किया होगा कि 40 kg से बढ़ के 44 kg हुआ, वहाँ 2 4 महीने 6 महीने रुका रहा, फिर बढ़ के 47 kg हुआ, फिर 50 kg हुआ। तो ये 4 kg 5 kg 6 kg पे वेट रुकता जाता है, जिसपे 5 महीने 6 महीने रुक के फिर अगले पड़ाव पे चलता। जब वेट लॉस आपका शुरू होता है, तो ये भी सारे उसी पड़ाव से होता हुआ नीचे आता है, जिस जिस पड़ाव पे ऊपर जाते समय रुका था। तो 70 kg से अगर आप चाहेंगे कि 40 तुरंत हो जाए, ये नहीं होता। शुरू में 2 4 महीने जो है आपका वेट हो सकता है बिल्कुल कांस्टेंट रहे। जो इमिडिएट वेट बढ़ा है वो 1 किलो 2 किलो तो कम हो जाएगा, लेकिन जो वेट काफी समय तक आया है वहां पर आगे रुक जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका वेट 67 था, 67 पे आपका वेट 6 महीने था या साल भर था, अचानक बढ़ के 70 हो गया है विद इन अ मंथ, तो आप जब ये सारा करना शुरू करेंगे तो 70 से 67 तो तुरंत आ जाएगा, लेकिन 67 ब्रेक होने में टाइम लगता है। अब इसका रीजन क्या होता है कि आप अपना वेट कंट्रोल भी कर रहे हैं, डाइट कंट्रोल भी कर रहे हैं। अच्छा अनुभूति वर्स्ट क्लियर नहीं आ रही है, मैं 1 सेकंड इसे थोड़ा सा नजदीक कर लेता हूँ। अच्छा अब आप बताओ, अब वॉइस क्लियर है अनुभूति? अब मैंने नजदीक कर लिया, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम यहाँ होती है, क्योंकि हम अब मैं इसको नजदीक लेके आ गया हूँ। अब वॉइस क्लियर हुआ मेरा या नहीं हुआ? अनुभूति में वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। चलो तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है तो मैं ये मान के चलूंगा कि अब बस क्लियर हो रही है, इसलिए भाई या बस बिल्कुल नहीं जा रही, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मैं इस टॉपिक को खत्म करूं, कहाँ पे था मैं? हाँ, जब इसका रीजन क्या होता है, क्यों ऐसा, कि ऐसा क्यों होता है कि आप वेट लॉस करते हैं तो 1 महीने 2 महीने वेट लॉस आपने 3 4 kg कर लिया और फिर अचानक रुक गया, फिर 3 महीने 4 महीने 6 महीने वेट लॉस, कोई भी वेट लॉस नहीं होता है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू होती है। फैट सेल्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक येलो फैट होते हैं, एक रेड फैट होते हैं। बॉडी का जो सिस्टम होता है ये काफी एफिशिएंट सिस्टम होता है। फैट का काम होता है कि वो आपको एनर्जी दे, जब भी आपकी एनर्जी की कमी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो ये आपको एनर्जी दे, तो उसकी वजह से ये सारा चीजें करता है। तो कट्टा बॉडी क्या करता है कि येलो फैट को जब आपको एक्स्ट्रा कैलरी आता है तो वो उसको पहले येलो फैट में स्टोर करना शुरू करता है। येलो फैट जब काफी दिनों तक रह जाता है तो उसे वो रेड फैट में कन्वर्ट कर देता है, जो ब्रेक करने में प्रॉब्लम देता है, काफी टाइम लेता है। और जो रेड फैट होता है वो काफी ज्यादा उसमें कैलरी कंजर्व होता है, तो वो अगर छोटा सा भी रेड फ्लो वो रेड सेल्स जो रेड फैट सेल्स ब्रेक करता है तो काफी ज्यादा कैलरी रिलीज करता है। और इसकी वो छोटी क्वांटिटी है इसलिए भी वेट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, लेकिन उस समय रेड फैट जो है ग्रेजुअली येलो फैट में कन्वर्ट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी भी जब आपके वेट लॉस में पड़ाव आता है, जो स्टेशन आते हैं जहाँ पे आपका वेट सेम वेट पे कॉन्स्टेंट हो जाता है 3 महीने 6 महीने 1 साल, कभी भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं आनी चाहिए। आप एक्सरसाइज कंटिन्यू रखिए, अपना डाइट कंट्रोल कंटिन्यू रखिए, ये बहुत जरूरी होता है। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे रेड सेल्स रेड फैट सेल्स टूटते जाएंगे, वेट ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आता चला जाएगा, इंसान जो है वेट लॉस करता चला जाएगा।
जो दो चार चीजें हमेशा ध्यान रखने की है, जिस चीज के लिए जो ये टॉपिक मैंने शुरू किया था, और मैं फिर समझाता हूँ सारे पॉइंट्स, कि जब भी आप वेट लॉस की कोशिश करते हैं, नंबर एक, डाइटिंग कभी नहीं कीजिएगा। डाइटिंग इज अ वेरी बैड थिंग जो बॉडी को डैमेज करना शुरू करता है। आप अपने डाइट को चेंज कीजिएगा, जो हाई कैलोरी डाइट है उसे लो कैलोरी डाइट से एक्सचेंज कीजिएगा। ऑयल घी वगैरह अपना जो है क्वांटिटी कट डाउन कीजिए, मीठा शुगर अपनी क्वांटिटी का कट डाउन कीजिए, सीरियल्स की क्वांटिटी कट डाउन कीजिए, और इसको रिप्लेस कीजिए फ्रूट से, सैलेड से, और ग्रीन वेजिटेबल से। एक्सरसाइजेस शुरू कीजिए, वॉक इज द बेस्ट एक्सरसाइज। शुरुआत में पहले वॉक करना शुरू कीजिए, फिर ग्रेजुअली अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन तीनों आप बढ़ाते जाइए। और कभी भी हिम्मत नहीं आ रही है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होइए, जब वेट लूज करना शुरू करेंगे कई स्टेशन आएंगे, जैसे धीरे धीरे वेट बढ़ा है वैसे ही कई साल लगेंगे ग्रेजुअली वेट नीचे की तरफ आने में। जो कंसिस्टेंसी होती है, जिस कंसिस्टेंसी से आप अपने डाइट और एक्सरसाइज प्लान को मेंटेन करते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, नंबर एक। नंबर टू, कभी भी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज वैसे मत करनी शुरू कीजिए जिससे आपको कोई इंजरी हो, नंबर एक, और जो आप कॉन्स्टेंटली रेगुलरली नहीं कर सकते। ज्यादा बेटर है कि वो एक्सरसाइज आप करना शुरू करें जिसको आप अपने डेली बेसिस कर सकते, क्योंकि जो कंसिस्टेंट डेली रूटीन होता है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, रादर देन कि कोई आपने एक दिन एक्सरसाइज की और एक हफ्ते पे कोई एक्सरसाइज की। मिनिमम एक्सरसाइज के लिए जो बोला जाता है 3 to 4 days a week बोला जाता है, 3 to 4 days a week करें। और अगर आप रेगुलर वॉक करते हैं एटलीस्ट 45 मिनट टू 1 आवर, इट्स अ वेरी गुड थिंग। यूजुअली अगर हम स्टेप्स का बोलते हैं तो हम 10,000 स्टेप्स बोलते हैं, कि 10,000 स्टेप्स आप ले रहे हैं तो आपका वेट ये स्टेडी स्टेट पे आ जाता है, आपका वेट बढ़ना बंद हो जाता है। लेकिन जहाँ 10,000 स्टेप के ऊपर आप चलना शुरू होते हैं, 15,000, 20,000, नहीं यू स्टार्ट लूजिंग वेट। लेकिन ये जो टारगेट है ये इमीडिएट का नहीं होना चाहिए, ये टारगेट लंबे समय का होना चाहिए, जो ग्रेजुअल बिल्डअप होना चाहिए। तो ये वेट लॉस पे मुझे बोलना था। जिसके आगे किसी को कोई क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अविनाश जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसी के भी कोई सवाल हो इस टॉपिक पे तो हम डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे कोई कुछ पूछना चाहता है, अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो लाइव आके वो फिर इसे शेयर कर सकता है, डिस्कस कर सकता है, मुझे दिखा सकता है आपकी प्रॉब्लम। चलो, बहुत अच्छी बात है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अभी बारिश का टाइम है, वायरल फीवर काफी फैला हुआ है। वायरल फीवर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि बॉडी एक बहुत ज्यादा देता है, पूरा बदन दर्द करना शुरू कर देता है। स्पेशली अगर कोल्ड एक्सपोजर होता है तो मसल स्पैज्म होता है, जिसकी वजह से अपर बैक पेन, नेक पेन बहुत कॉमन होता है। अपने आप को बचा के रखिए, वार्म करके रखिए, ये सारा इम्पोर्टेंट होता है। और उसके साथ जो है ये भी इम्पोर्टेंट है कि कैल्शियम विटामिन डी रेगुलर लेते रहें, कि बोन्स में स्ट्रेंथ बनी रहे, कि बोन्स में जब स्ट्रेंथ बना रहेगा तो फिर पेन होने के चांसेस कम होते हैं। मस्कुलर तो भी होंगे, वायरल अर्थ्रेलिया तो भी बहुत कॉमन होता है। अगर बॉडी एक अगर फीवर आपको हुआ हुआ, फीवर होने के बाद से बॉडी एक हुआ हो और फीवर आपका खत्म हो गया हो लेकिन बॉडी एक कंटिन्यू हो रहा हो, तो बहुत जरूरी होता है कि किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, अपने टेस्ट करवाएं और इसका ट्रीटमेंट लें। अदरवाइज कई बार ये पेन कई महीने तक चल जाता है, कई बार 1 सालों तक चल जाता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोविड, अभी जो कोविड का वेव किया था, जो फेज किया था, उसमें आपको याद होगा कि बहुतों को मस्कुलर पेन जो शुरू हुआ था वो आज के डेट में भी कंटिन्यू है।
कभी भी जब बॉडी एक हो रहा हो, बैक पेन हो रहा हो, शोल्डर या नेक पेन हो रहा हो, तो उसको ये मत सोचिएगा आपकी भाई ये तो बहुत मामूली सी चीज है, तो इसको हम निगलेक्ट कर लें, ये खुद को ठीक हो जाए। ये हो सकता है टेम्परली ठीक हो जाए, बट बॉडी आपका कहीं ना कहीं वीक होता जा रहा है और ये पेन आपको बार बार कहीं ना कहीं शुरू होता है। आज की डेट में भी आते हैं पेशेंट मेरे पास जो बताते हैं कि 3 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था और मुझे ज्वाइंट पेन शुरू हुआ था, वो आज तक ज्वाइंट पेन चल रहा है। तो वो जो ज्वाइंट पेन चल रहा है दैट इज नॉट ड्यू टू चिकनगुनिया। हाँ, लोगों ने उसको उससे कनेक्ट किया हुआ है लेकिन वो नहीं होता है। तो वायरल अभी काफी चल रहा है, डेंगू भी काफी चल रहे हैं और टाइफाइड भी काफी फैला हुआ है, वायरल फ्लू काफी फैला हुआ है। टेक केयर, अपने ख्याल रखिए, अपने आप को बचा के रखिए, फ्रिज से कोई भी चीज निकाल के अभी कुछ खाइए पीजिए नहीं, क्योंकि बीमार पड़ने के चांसेस बहुत हाई है। मच्छर से बच के रखिएगा, डेंगू काफी तेजी से चल रहा है, दो चार के स्वाइन फ्लू के भी आए, तो यह तो टेक केयर। इसके साथ आज के लाइव शो यही खत्म करते हैं। थैंक यू, गुड डे, टिल वी मीट अगेन।